सो हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अंडकोश में होने वाले फोड़े फुंसी, दाने या कहें तो पिंपल्स जो होते हैं, उसका आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक में ऑलरेडी 3 वीडियोस पहले बना चुका हूं, फिर भी लोगों के कई सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया इन दवाइयों से आराम नहीं हो रहा है या फिर उनको समझ में ट्रीटमेंट नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ अलग सी मेडिसिन बताऊँगा, अलग से ट्रीटमेंट बताऊँगा कि जो आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आपको अंडकोश में अलग अलग टाइप के पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि खुले मुंह वाले या फिर जिसमें सफ़ेद मवाद निकलता है, किसी में ब्लड निकलता है, कोई काले दाने हो जाते हैं जिनको ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। बेसिकली अंडकोश की जो खाल होती है बाहर की तरफ, उसमें देखने को ज़्यादातर ये मिल जाती है। कुछ इस प्रकार से आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि क्या इसके कारण होते हैं, किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइज, ये एक प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो एक एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, मतलब किसी प्रकार से वो एलर्जी हो सकती है। बेसिकली इसके कारण जो देखने को मिल जाते हैं वो होते हैं जैसे रीग्रो हेयर होते हैं या फिर इनग्रो हेयर होते हैं, जो बाल जो होते हैं वो अंदर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फुंसी होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ किसी कीड़े ने काट लिया है या फिर पानी की वजह से हो सकता है, जो गंदा पानी आप यूज़ करते हैं, कहीं का पानी जो होता है अच्छा साफ़ सुथरा नहीं होता है, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपके जो टंकी वगैरह रहती है, जो कॉमनली कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये एलर्जी हो जाती है। टंकी का पानी बहुत टाइम से रहता है, जो गंदा पानी रहता है उसमें काई जमी रहती है, उसी से आप नहाते हो तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ स्किन का ड्राइनेस होना या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो आप फील्ड वर्क करते हो, पसीना आने की वजह से आप खुजला देते हो, उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है बाल वगैरह टूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये दाने भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ और क्या कारण होते हैं, अगर आपको किसी प्रकार से लीवर का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि जॉइंटिस होना जिसको पीलिया कहा जाता है, या फिर आपके बॉडी में किसी और भी खुजली भी हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो सोरायसिस जैसी कंडीशनें भी हो सकती है आपके लीवर की वजह से। लीवर के एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर सही नहीं तो आपको इस प्रकार से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। कॉमनली जो सिम्टम्स इस कंडीशन में होते हैं, अगर आपको जॉइंटिस भी होने वाला है या फिर इन्फेक्शन है तो भी आपको ये दाने देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बारिश की वजह से हो सकता है, जो बारिश वगैरह का पानी हो जाता है, या फिर आप भीग रहे हो, आप गीली अंडरवेयर पहनते हो, कंटिन्यूसली वही पहनते रहते हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आप जैसे किसी का साबुन यूज़ करते हो, टॉवल्स यूज़ करते हो, किसी का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह आप यूज़ कर लेते हो, जैसे कि वीट वगैरह आते हैं मेंस के लिए लगा देते हो, तो वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी आपको वहाँ पर दाने या पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए आगे प्रॉब्लम कर सकते हैं। साथ ही साथ यौन संचालित रोग होना, जिसमें दाद हो सकते हैं, जुआयाँ हो सकती है, या फिर जो उपदंश जिसको कहा जाता है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, या किसी और की वजह से आप सेक्सुअल वगैरह पार्टनरशिप के साथ करते हो तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और भी कई सारी वजहें होती हैं, जो ये कॉमनली वजह है जो मैंने आपको बताई है, जो जनरली हर पेशेंट में देखने को मिलती ही मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मेडिसिंस आपको क्या क्या लेना चाहिए। मेडिसिंस का तरीका आप समझने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर पेशेंट का अलग अलग कंडीशन होता है और डोजेस उसके सब कुछ अलग अलग होती है। किसी के अंडकोश में जो होते हैं सफ़ेद दाने हो सकते हैं, किसी का रेड दाने हो सकते हैं, किसी का ब्लैक दाने हो सकते हैं, किसी का मवाद आ सकता है, किसी का खून आ सकता है, या फिर किसी के सूखे दाने हो सकते हैं, जो जनरली ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसलिए ये दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कर लीजिएगा। हम किसी भी दवाई का आपको सजेशन नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। पहली मेडिसिन आती है इसमें एलिग्रा 180 टैबलेट, जिसमें फैक्सोफेनाडिल होता है जो एंटी एलर्जी होता है, एंटी हिस्टामाइन होता है जो खुजली को रोकने में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। दिन में एक ही बार इस दवाई का लिया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन आती है मोनोसेफ ओ 200, जिसमें सिफोडॉक्सिम होता है जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस कंडीशन में काम करता है, यानी फोड़ा फुंसी भी हो रहा है या दाने हो रहे तो उसको सुखाने में भयंकर ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, और आपको ये मेडिकल्स में मिल जाएगा। तो जो ब्रांड नेम मैं आपको बता रहा हूँ उसी ब्रांड नेम से आप लीजिएगा, क्योंकि जो ब्रांड बता रहा हूँ वो सारे के सारे एथिकल आ जाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है वाइसलोन 10 mg में, आपने ये लेना है सुबह शाम, और मोनोसेफ भी ओ टॉक टॉक जो टैबलेट है वो भी आपने सुबह शाम लेनी है। एलिग्रा 180 जो होती है वो दिन में एक बार लेनी, जो खुजली को रोकने में काफ़ी मदद करेगा। वाइसलोन आपके एलर्जी कंडीशन को रोकेगा और साथ ही साथ जहाँ पर एलर्जी हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसको रोकने में भी कम करेगा।
ये जो आपने तीन ओरली मेडिसिन होगी वो कंटिन्यू लेती रहनी है। अब इसके बाद आ जाता है आपने क्रीम क्या इसमें ले सकते हैं। नियोमाइसिन बी क्रीम आती है जिसमें नियोमाइसिन इंग्रेडिएंट्स होता है जो एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होता है, जिसको आप लगा सकते हैं। ये भी घाव को या दानों को सुखाने में काफ़ी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ ही आप जैसे कि कोई अगर नॉर्मली डिटॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो साबुन से अच्छा आप कोई भी एंटी एलर्जिक साबुन ले सकते हैं। केटोफ्लाई, केटोस्टार या सेटेमाइड आता है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेटमासोल भी साबुन आ जाता है जिसको भी आप लगा सकते हैं। ये तो थी दोस्तों दवाइयाँ जिसके बारे में हमने आपको बताया है, तो ये तो आपने लेनी लेनी, साथ ही साथ आपको परहेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अपने अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएगा, या फिर आपने इसके लिए कोई दवाइयाँ ली है इसके बारे में भी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। कितने दिन से हो रहा है, कब हो रहा है, तो बिल्कुल डॉक्टर से शर्माइए नहीं, कम्प्लीटली जानकारी उनको दीजिएगा। साथ ही साथ इसके साथ आपने हाइजेनिक का ध्यान रखना, या फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कंडीशन हो रही है, हेयर्स का क्लीनिंग ज़रूर रखें, साफ़ सफाई बिल्कुल साफ़ रखिएगा, टावल साबुन वगैरह जो भी होता है वो अपना ही यूज़ करें। अगर आप ज़्यादा अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे अपना ये ट्रीटमेंट तो 100% आपको जो होता है वो रिजल्ट मिल जाएगा। ये हम पेशेंटों में ट्रीटमेंट करवाते हैं तभी हम आपको, जब उनको रिजल्ट मिल जाता है तो हम आपके लिए ये वीडियोस प्रोवाइड करवा देते हैं। वो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर, मिलता है नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।